विदिशा जिले के नरटन तहसील से 7 किलोमीटर दूर रावण गांव में हर वर्ष दशहरा पर रावण की पूजा की जाती है, जो कि नवमी के दिन से दशहरा तक विशेष पूजा अर्चना की जाती है। गांव में रावण का दहन नहीं किया जाता है। गांव में किसी भी धार्मिक कार्यक्रम हो या वैवाहिक कार्यक्रम हो, सबसे पहले रावण की प्रथम पूजा के पश्चात ही अन्य कार्यक्रम की शुरुआत होती है। गांव वालों की ऐसी मान्यता है कि अगर किसी कारण से रावण की पूजा ना करके वैवाहिक कार्यक्रम या किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो उस कार्यक्रम में बहुत परेशानियाँ आती हैं। इस गांव में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण समाज के अलावा अन्य समाज के भी लोग निवास करते हैं। गांव वालों से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि रावण का मंदिर बड़ा ही सिद्ध मंदिर है। जो भी यहां से मांगता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। इस गांव में बहुत दूर दूर से लोग मन्नत मांगने के लिए आते हैं और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मनोकामना पूर्ण होने के पश्चात यहाँ पर आकर भंडारा कराते हैं। मंदिर के सामने ही एक तालाब बना हुआ है। वहाँ के निवासी बताते हैं कि इस मिट्टी को लोग ले जाते हैं। किसी भी प्रकार का चर्म रोग होने पर यहाँ की मिट्टी लगाई जाती है, जिससे चर्म रोग ठीक हो जाता है। यह मूर्ति पहले एक इमली के पेड़ के नीचे विराजमान थी। गांव के निवासियों ने उसके ऊपर मंदिर का निर्माण करा दिया। मंदिर में 12 फीट लेटी हुई प्रतिमा विद्यमान है, जिसमें बकायदा 10 सर और 10 हाथ हैं। इस मंदिर में पूजा के बाद ही किसी भी कार्य का शुभारंभ किया जाता है। भारत सिंह लोधी। आपका नाम क्या है? भारत सिंह लोधी। आप यहीं के रहने वाले हो? यहीं के रावण। इसका आप कोई इतिहास बताएंगे, कितने सालों से मंदिर है? या ये साहब मंदिर हमने ऐसों को ऐसों देखो है जी, और हमारे पुराने भी ऐसों को ऐसों बताता है जी। अच्छा, इस गांव में रावण दहन तो होता नहीं होगा? नहीं। आप लोग रावण की पूजा करते हैं? रावण की पूजा करते हैं। रावण बाबा की पूजा करते हैं? पूजा करते हैं। अच्छा, कहीं भी कोई भी जैसे धार्मिक आपके यहाँ प्रोग्राम होता है, शादी होती है या कोई, तो सबसे पहले आप? सबसे पहले रावण बाबा की पूजा। रावण बाबा की पूजा होती है। अभी यानी कि हमारे यहाँ दुर्गा स्थापना हो रही है, सबसे पहले रावण बाबा की पूजा करने के बाद दुर्गा स्थापना हो रही है। इसके बाद होगी जी। और ये जिस गांव में कितनी जनसंख्या होगी? जनसंख्या साहब 1700 वोटर हैं। और सबसे ज्यादा परिवार किसके? हरिजन भी हैं, पंडित जी भी हैं। अच्छा, पंडित भी। हाँ, हरिजन पंडित जी धाकर है। हाँ, करके 17 जाते हैं। अच्छा, 17 जी जाते हैं। नहीं, 17 है गिनती। अच्छा जी, आपका नाम पंडित जी? पुजारी नरेश महाराज जी। अच्छा, जहाँ पर सेवा करते हुए 8-10 साल। वैसे रहने वाले कहाँ के? आप यही के हैं, जो बगल में मकान है। क्या नाम है आपका? नरेश तिवारी, पंडित नरेश तिवारी। आप शुरू से रावण महाराज की सेवा करते? जी, शुरू से ही कर रहे हैं और पूरा गांव हमारा सेवा में लगा रहे। सेवा में मतलब कोई भी प्रोग्राम जैसे होता है आपके यहाँ, तो सबसे पहले रावण महाराज जी, पहले हर शुभ कार्य में या गोय हवन हो, भागवत हो, रामायण हो, सत्यनारायण कथा हो, कोई सा प्रारंभ या बान हम लाएंगे तो यही आन के रखेंगे। अच्छा, अच्छा, जूसा शादी कोई जो नारियल तेल फुआ, इनसे निमंत्रण के आदेश लेके हमारा कार्य संपन्न होती है। नहीं, हमारे कार्य संपन्न नहीं हो। आपका नाम दादा? नरम दबरसार। आप भी यहीं के रहने वाले? हम यहीं के रहने वाले। तो आपने तो शुरू से देखा होगा। हाँ, हम रावण महाराज की पूर्व जन्म। इसका कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि मतलब कितने सालों से ये मूर्ति? नहीं, बहुत इतिहास जो ये साहब हमारे आंगले पुलाने जी कहता है के हमने सब पहले आपने जो मंदिर बना था या सिला नहीं, मंदिर अबे बना है, छोले तारे थे। अच्छा, और ऐसे ही हमने पूर्व जन्म। अच्छा, शिवल के नीचे मतलब सिर्फ सिला पड़ी हुई थी, है ना? कितने फीट की होगी अंदाज से? 10-12 फीट की है। 10-12 फीट की है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।